हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई पाकिस्तान शॉक्ड हो गया, क्यों? क्योंकि शेख खुद ड्राइव कर लेकर गए पाकिस्तान। इस बात से सुने, अब किसको लेके गए गेस करो। अगर हमारी पहली वीडियोस देखी हैं तो आइडिया हो जाएगा। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोज के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक कीजिए, चलिए शुरू करते हैं। नहीं, पाकिस्तान में जो बैठे हुए लोग हैं, पाकिस्तानी मतलब, उनको तो ये समझ ही नहीं आ रहा होगा कि ये चल क्या रहा है, कि हम तो पूरा कट्टरपंथी पे जा रहे हैं और यहाँ पे दुबई में और इन जगहों पे ये हो क्या रहे हैं। चलो देखें हम। हर जगह जा जाना है, साथ में होता है ये जो भी शेख है उसी ने स्पॉन्सर किया। बल्कि उन्होंने तो जय श्री राम का नारा तक लगा दिया। नादनी लोग बहुत ज्यादा ह्यूमैनिटी पे बिलीव करते हैं, ह्यूमैनिटी फर्स्ट का नारा लगाते हैं। किस पे ह्यूमैनिटी? खुशी में भी दूसरों के नहीं आते, अंग्रेजी में आते हैं, शरीक करते हैं सनातनी। यूएई में भी, जो कि हमारा एक ब्रदर मुस्लिम मुल्क है, वहाँ पर भी अब हमें पाकिस्तानियों को, जो पहले मजदूर हमारी जो मैन पावर जाती थी, वो भी अब खतरे में पड़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो हमारा मजदूर तबका है उसको भी वीजे उन्होंने कम देने शुरू कर दिए हैं। हम क्योंकि इंसान को इंसान नहीं समझ रहे हैं, हर कंट्री इस्लाम को बैन कर रही है। आप एक दफा सोचो तो सही कि कसूर इस्लाम का है या मुसलमानों का है। एज अ मुस्लिम कंट्री जो है, क्योंकि अगर तो हमें समझ में आती कि ये हिंदू कंट्री है तो वो उसका हमें आई थिंक क्योंकि इतना फर्क ना पड़ता, लेकिन ये इंतहाई दुख की बात है कि एक मुस्लिम कंट्री बजाय के मस्जिद बनाए, बजाय के मदरसा बनाए जिससे इस्लाम की जो है वो दावत, इनको मदरसा चाहिए, तो वो एक ऐसी जगह तभी तुम्हारे जैसे बनेंगे ना, वो बनाने के लिए सपोर्ट कर रहा है जो कि बिल्कुल गलत रवायत है। और इंडियन जो होते हैं वो मेहनती होते हैं, उनको पैसा कमाने का एक गुर आता है, देख ले। इसीलिए जब स्केल पे जब आप इतना आपको होता है, आपके अंदर काम की और आपके अंदर इतना गुर होता है कि हमने जी पैसे कमाने हैं, अपने पीछे घर वालों को भेजने, अपने मुल्क को उठाना, या आपके यूएई के भाई कह रहे हैं, यूएई के मुस्लिम भाई, वो इंडियंस को प्रेफर कर रहे हैं आपकी, उस पर क्यों? मैं सनातनी कहलाना खुद को ज्यादा पसंद करूंगी। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर और कथा कन्वर्ट क्यों नहीं हो जाती? शास्त्री पिछले कर ले, एक्टिंग क्या कर रही है? दुबई पहुंचने के बाद धीरेन्द्र शास्त्री ने जमकर यूएई की तारीफ की। दुबई पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। दुबई में धीरेन्द्र शास्त्री का अब्दुल्ला ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर बीयू अब्दुल्ला ने स्वागत किया। इस दौरान लोगों ने धीरेन्द्र शास्त्री पर गुलाब बरसाते हुए उनको खुशामदीद कहा। डॉक्टर अब्दुल्ला ने धीरेन्द्र शास्त्री की अगुवाई करते हुए कहा कि वह बहुत खुश नसीब हैं। दुबई में रहने वाले भारतीय भी उनके स्वागत के लिए पहुंचे। धीरेन्द्र शास्त्री दुबई में 22 से 26 मई तक दरबार लगाएंगे। इस दौरान धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 3 दिवसीय हनुमान कथा भी करेंगे। डॉक्टर अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया पर धीरेन्द्र शास्त्री के साथ अपने फोटो शेयर करते हुए लिखा, दुबई में गुरु जी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का स्वागत करते हुए उन्हें सम्मान महसूस हुआ। उनका दुबई आना हमारे लिए एक विशेष अवसर है। यूएई में भी, जो कि हमारा एक ब्रदर मुस्लिम मुल्क है, तुम्हारे ब्रदर मुस्लिम मुल्क, हमें पाकिस्तानियों को, जो पहले मजदूर हमारी जो मैन पावर जाती थी और वहाँ से जरे मुबादला, यानी इनको उसी चीज को रिपीट नहीं करना चाहिए, जो बेचारा लाइफ सपोर्ट के ऊपर चल रहा है, डॉलर आ जाते हैं अरब मुल्कों से, वो भी अब खतरे में पड़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो हमारा मजदूर तबका है उसको भी वीजे उन्होंने कम देने शुरू कर दिए हैं, और हमारी निस्बत इंडिया के जो लोग हैं उनके जो मजदूर हैं उनको ज्यादा मिलते हैं। और एक इंडिया के ऑफिसी एक लेबर फोर्स है, लेकिन उसके ऊपर एक उनकी स्किल्ड फोर्स भी है, वो भी यूएई में काम करती है। 80% यूएई की जो आबादी है वो फॉरेनर्स की है, और हमारा शेयर होना चाहिए, लेकिन हमारा शेयर नहीं, यूएई को इस वक्त कहा जाता है कि सिर्फ इंडियंस ला रहे हैं। हमारे भी हैं बीच में लोग बेचारे, ऑफिसेज वगैरह में भी काम करते हैं, लेबर में भी काम करते हैं, लेकिन उनको वीजे अब मिलना कम हो गए हैं। हमारे अपने ही ब्रदर मुल्क से वीजे कम मिल रहे हैं, क्या वजह है इसकी? कोई हमने शरारत की होगी इसमें? यू नो, ओवरऑल मैं जैसे आपको बताता हूँ, यूके में आपको दिखाता हूँ ग्रूमिंग गैंग्स, वहां पे हर जगह पे, ठीक है, हर जगह पे अच्छे बुरे लोग, लेकिन हमारे जो लोग आते हैं वो ज्यादा ही बुरे हैं। यूके में मैंने आपको जैसे बताया, कैटर्स बने हुए पाकिस्तानियों के, लुंगियां तोतियां पाके तो उनकी गोरी लड़कियों को छेड़ा रहे होते हैं, जो उधर के बॉन है वो भी एक नंबर के हरामी है, क्यों, क्या वजह इसकी? तो क्या यूएई में भी ऐसा हो रहा है? हालांकि मैंने सुना है कि अरब मुल्कों में बेचारे, क्योंकि वहां पे सख्ती ज्यादा है, इसलिए वहां पे बेचारे जरा डर डर के रहते हैं, वो इतनी बदमाशी बदमुशी नहीं करते। ये मेरा एक, वैसे मेरी एक पता नहीं क्यों, ये मेरा एक बिलीफ ऐसा बना हुआ है कि यूएई में या सऊदी अरब में या कतर में जो हमारे लोग बेचारे
बेचारे जाते हैं, एक तो गरीब लोग होते हैं, पेड़ पुंडे तो होते ही है, कोई बात नहीं, गंद शंद लिफाफा शिफा फेंक देते होंगे बाहर, लेकिन वैसे ओवरऑल डरते होंगे बेचारे, क्योंकि वहां पे सख्ती ज्यादा है। आपको पता है सऊदी अरब ने भी पता है 50 के गरीब लोगों को सजाएं मौत दी और वहां की सजा मौत कैसी होती है, थक सर तन से जुदा, हमारे तो नारा लगाते हैं ना सर तन से जुदा, वो उधर वाकई सर तन से जुदा। मुस्लिम कंट्री जो है, क्योंकि अगर तो हमें समझ में आती कि ये हिंदू कंट्री है तो वो उसका हमें आई थिंक क्योंकि इतना फर्क ना पड़ता, लेकिन ये इंतहाई दुख की बात है कि एक मुस्लिम कंट्री बजाय के मस्जिद बनाए, बजाय के मदरसा बनाए जिससे इस्लाम की जो है वो दावत लोगों में फैले, तो वो एक ऐसी जगह ऐसे मंदिर को जो है ना वो बनाने के लिए सपोर्ट कर रहा है जो कि बिल्कुल गलत रवायत है। सर इंडिया में भी तो बहुत सारी मस्जिदें हैं, तो अगर इंडियंस भी ऐसा सोचने लग जाएं तो आप सोच सकते हैं कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों के लिए कितने मसाइल खड़े हो जाएंगे। आप ये जानते हैं कि मैंने कितने इंडिया में ऐसे मोहल्ले देखे हैं जिस मोहल्ले में 100 से ऊपर मसाजिद हैं, ठीक है, यहाँ मेरा इस तरह नहीं होगा। तो अगर या इंडिया में रहने वाले हिंदू भी इस तरह की सोच रखने लग जाएं, तो सर फिर तो क्या ही कहने हैं इस दुनिया के, क्या पुरअमन मतलब माहौल देखने को मिलेगा, मैं तो तसव्वुर भी नहीं कर सकती। आपने बेशक मस्जिदों का बताया, हजारों की तादाद में मस्जिदें होंगी, बिल्कुल होंगी, लेकिन आप मुझे सिर्फ किसी एक मस्जिद का बता दें जिसको गवर्नमेंट ने फंड किया हो, वहाँ पे गवर्नमेंट लेवल पे फंड किया गया हो, गवर्नमेंट लेवल पर उसको मस्जिद को बनाया गया हो, वहाँ का काम नहीं है, आजादी है। इसी तरह हमें किसी मस्जिद को आजादी नहीं मिलनी चाहिए। हाँ, हिंदुओं को आजादी होनी चाहिए कि वो वहाँ पे अपना मंदिर बनाए, ईसाइयों को अपनी आजादी होनी चाहिए वो अपना जिरगा बनाए, लेकिन गवर्नमेंट लेवल पे, और वो भी गवर्नमेंट गवर्नमेंट हो मुस्लिम गवर्नमेंट, तो ये मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ही तो सपोर्ट करती है। आप मुझे बताएं कि गवर्नमेंट की सपोर्ट के बगैर क्या लाहौर के अंदर कोई मस्जिद बन सकती है? देखिए, गवर्नमेंट की सपोर्ट जो इखलाकी तौर पे सपोर्ट है वो तो मैं उसके उस हवाले से, तो हम भी उसकी सपोर्ट करते हैं कि हर बंदे को अपनी मजहबी आज़ादी होनी चाहिए। तभी क्या बोला था, फाइनेंशियली आप अगर उसको सपोर्ट करते हैं तो हमारा दीन जो है वो इस चीज़ की बिल्कुल इजाज़त नहीं देता, बल्कि हमारा दीन तो इस चीज़ का दावत देता है कि लोगों में इस्लाम की दावत फैलाओ, और ना कि जो है ना आप इस तरह की चीज़ें करें जिससे जो है ना हौसला अफजाई हो गैर मुस्लिम मुसलमान। हर एक को उसके मजहब की आज़ादी होनी चाहिए, उसके मजहब का एहतराम करना चाहिए, इस्लाम में जबर नहीं है, लेकिन हम तो उन बातों को तब भी नहीं मानते। कुरान में मुझे बताएं, कहा गया है कि तलवार किसी के गर्दन पे रख के उसे इस्लाम कबूल करवाएं, उसके सर पे पिस्टल रख के उसे इस्लाम कबूल करवाएं, छोटी छोटी बच्चियों को अगवा करें, उनको जबरन इस्लाम कबूल करवाएं, और बड़ी उम्र के मर्दों से उनकी शादियां करवाएं। क्या कुरान या इस्लाम हमें ये दर्श देता है? नहीं, इस्लाम बिल्कुल भी इस चीज़ का दर्श नहीं देता। और फिर भी ये पाकिस्तान में हो रहा है, मतलब आई एम शॉक्ड कि आप लोग पढ़े लिखे नौजवान हैं, आपका माइंडसेट तो सर अब आप लोगों को बादशाह हो जाना चाहिए था, लेकिन मुझे जानकर आपकी तासुरात बड़ी हैरत हो रही है कि अभी भी आप इस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रहे। ये जड़ावाला का वाकया देख लें, क्या किया वहाँ, एक सिर्फ इल्ज़ाम की बुनियाद पर हमने हमारी माइनॉरिटीज़ के साथ क्या किया, हज़ारों की तादाद में लोगों के साथ हमने क्या किया, कितने घर जला दिए, गिरजा घर हमने तोड़ दिए, तो क्या ये एकदम ठीक था? अगर सर हम बना नहीं सकते तो किसी का बना बनाया तबाह करना भी हम डिजर्व नहीं करते। मैडम देखें, ये एक वो मिसाल कायम करना चाहते हैं कि हम इतना बड़ा यानी कि मंदिर बना रहे हैं, और दुबई एक स्टेट है, उसमें बड़े बड़े बिजनेस टाइकून जो है ना वो मिलके एक स्टेट बना रहे हैं और इसको इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं। आपने मेरे से सवाल किया, मैं आपसे छोटा सा एक सवाल करना चाहता हूँ। हमारा जो खाना काबा है, अगर उसके नज़दीक कोई इतना बड़ा मंदिर बनाया जाता तो आपको कैसा फील होता? कुछ नहीं, उन्होंने बनाया तो क्या हुआ? खेलने वाली बात है ना, घटिया लोग कैसे होते हैं, ये एग्जांपल सामने है कि इतने घटिया नहीं, मतलब उनकी एजुकेशन ऐसे सब है, मैं तो घटिया बोलूंगी भाई, उनको ऐसे घटिया एनवायरनमेंट में किया हुआ है तो उनका शक्ल से लग रहा था शायद कपड़े और शक्ल से मुझे लगा थोड़े पढ़े लिखे होंगे, समझदार होंगे, मुंह खोलते ही ऐसे पता चला कि बाप रे, मदरसा एजुकेशन इनकी। वही रीजन है पाकिस्तान नीचे क्यों जा रहा है, जाना भी चाहिए, जैसी जिसमें लोगों की ऐसी सोच है
उस देश को नीचे जाना चाहिए। जैसे उनको एजुकेशन दी जा रही है, जिस एनवायरनमेंट में पल रहे हैं, उसका ये रिजल्ट है। कितनी घटिया सोच है भाई, गॉड। इंडिया में भैया जब बोला कि मस्जिद भी तो है, जबकि हिंदू का देश है उस टाइप से, तो वो कहता है कि अच्छा मस्जिद तो ठीक है, अच्छी बात है, पर गवर्नमेंट ना थोड़े को फंड, कॉन्सेप्ट नहीं पता कि गवर्नमेंट इनको फंड भी करेगी क्या। अरे बड़प्पन देखो कि अगला अपना देश बनवाया, तुमने बंटवारा किया, उसके बावजूद भी भारत में इतना बड़ा दिल था कि फिर भी कहा कि देश देने के बाद भी कि नहीं, जो यहाँ रहना चाहते हैं रह ले। तुम लोगों ने क्या किया है, बहुत ही ज्यादा, बहुत ही घटिया घटिया सोच। सिंपल रिलीजन का मतलब नहीं पता कि यानी बड़ी फ्री टू प्रैक्टिस रिलीजन, और गवर्नमेंट का इसमें कोई लेना देना नहीं। इनको ये लगता है बस है गवर्न करना, कंट्री को आगे लेके जाना, नॉट रिलीजन का प्रमोशन। एग्जैक्टली, और ऐसे लोगों को कौन सा देश एक्सेप्ट करेगा? तभी तो यूएई और ये सब बोल रहे हैं, तभी तो निकाल रहे हैं इनको, वीजा कम दे रहे हैं, क्योंकि तुम्हारी सोच ही ऐसी है। अच्छा काम कर रहे हैं, बिल्कुल अपने देशों में लाकर प्रॉब्लम्स क्रिएट करनी है क्या उन्होंने। तो चलो यार, अभी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं, आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।